राम राम जी। आज सो के उठते उठते हो गई ठंडा का मौसम शुरू। आज हम लोग के यहाँ पड़ने लगी ठंडी, मतलब ठंडी आ गई। तो चलिए दोस्तों, सुबह सुबह वाकई में जैसे हम लोग सो के उठे वैसे ही एकदम ठंडक, ये लगा कि जो पतला वाला कंबल होता है वो ओढ़ ले हम लोग, क्योंकि ठंडी बहुत भयंकर शुरू हो गई है हम लोग के गांव में। जेकरा जेकरा घर में ठंडी ना लगता ना, वो हमारा गांव में आ जाए, खूब बढ़िया ठंडी लगता कंबल ओढ़े वाला। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं ठंडा 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 यानी ठंडी में शुरू कर रही हूँ। गर्मी में आ गई ठंडी है, बोले तो गर्मी में आ गई ठंडी। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग वाकई मौसम तो एकदम मस्त ठंडा ठंडा है। आप सभी लोग देख सकते हैं चारों तरफ देख सकते हैं आप सभी लोग, मौसम देख लीजिए आप सभी लोग चारों तरफ, क्या बताएं दोस्तों, वाकई में ठंडा मौसम आ गया। और चलिए देर ना करते हुए आप सभी को दिखाऊं, कि मेरे यहाँ जो सब्जी यानी तरकारी बोई गई थी वो कैसे कैसे निकल रहा है। तो आप सभी को कई प्रकार की तरकारियाँ दिखेंगी, मतलब कई प्रकार की सब्जी दिखेंगी, जो कि गांव के हरे हरे खेत में हरी हरी सब्जी होती है, वही सब्जी प्रोटीन से भरी होती है। तो आइए समय ना लेते हुए, बहुत ज़्यादा हम ठंडी में बानी। तो चलिए आप लोग को ये तरकारी दिखा लूँ खेत में, इसीलिए पहले मैं आई कि तरकारी दिखा लूँ, सुटवा ढीला हो रहा है, तरकारी दिखा लूँ फिर उसके बाद मैं नहाई धोई जाऊँ नहाने धोने। अभी सो के उठी हूँ तो थोड़ा बहुत अफाई सफाई घर में झाड़ू झाड़ू लगा के आ गई हूँ सीधे खेत में। तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ, ठीक बने रहिएगा। प्रधान जी आ गए, बने रहिएगा। से पहले दोस्तों ये सब देख लीजिए खेत, पहले चारों तरफ से पहले खेत देख लीजिए, जो बगीचा है इसी बगीचे के खेत में बोया है। और ये है भिंडी, और ये देखिए भिंडी कैसे टेढ़ा गया है, काहे मर तो ठंडी लग गई बका टेढ़ा गई बड़ा। ये है ठंडी, तो रुकिए पहले बारी बारी से मैं आप लोग को सब दिखाती हूँ, बारी बारी से जो जो सब्जी बोई गई है हम लोग के खेत में वो सब दिखाती हूँ मैं, ठीक। जब खेत में उतर गई हूँ तो सारी तरकारियाँ आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो आप सभी बने रहिएगा, ये गांव का देसी ब्लॉग है, देसी ब्लॉग मतलब शुद्ध सब्जी, हरी हरी सब्जी। तो आइए आप लोग के लिए उड़ी बाबा लेके आइए हरी हरी सब्जी, हरे हरे खेत में हरी हरी सब्जी। अब तो हम बोरा यहीं से तोड़ के लेके जाते हैं, यहाँ पर तितली भी उड़ रही है मेरे साथ साथ, ये तितली तो परेशान कर दी है मुझे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये क्या है, हाँ सही पकड़े हैं, ये है बोड़ा। ये देखिए ये है बोड़ा, देखिए आप लोग को, ये है बोड़ा। जब मैं छोटी थी ना तो बोड़ा खाती थी, ये देखिए बोड़ा कच्चा ही खा लेती थी मैं, अभी भी आप लोग को खा के दिखाऊंगी, कच्चा भिंडी बोड़ा ये सब कच्चा खाते थे। तो ये रही आप लोग के लिए बोड़ा, जो कि यहाँ से कुछ दूर तक बोड़ा बोया गया है, और बोड़ा जो है वो देखिए फर के लटक भी रहा है, ये देखिए कुछ दूर तक बोड़ा बोया गया है। तो ये रही आप लोग के लिए बोड़ा की तरकारी, ये देखिए गुच्छा गुच्छा फरता है, ये देखिए बोड़ा फरता है, देख लिया आप लोग, ये देखिए बोड़ा हो गया। अब आप लोग को दिखाऊंगी पीछे भी, देखिए कितना बोड़ा फरा है, ये बोड़ा मतलब बहुत अच्छा है, हरी सब्जी में ये भी आएगा। और यहाँ पे तितली भी उड़ रही है छोटी छोटी, आप सभी को दिखाऊं कि मैं बोड़ा कच्चा कैसे खाती थी जब छोटी थी। तो इसे कहते हैं शुद्ध हरी सब्जी। ये दोस्तों ये देखिए लाइन से भिंडी है, ये भिंडी का पेड़ है लाइन से, अभी सुबह सुबह तोड़ा गया है भिंडी, बोरा आप लोग देख लिया, भिंडी देखिए, ये देखिए भिंडी ना बंदर सब तोड़ दिए हैं, जितने बंदर सब हैं
वो भिंडी तोड़ दिए हैं, तो कुछ ही भिंडी हो रहा है। ये देखिए भिंडी का फूल, ये देखिए आप लोग भिंडी का फूल, इससे मधुमक्खी जो है बैठी है। ये देखिए मधुमक्खी बैठी है भिंडी का फूल, ये देखिए देख लिया आप लोग, ये है भिंडी का फूल। और चलिए भिंडी भी दिखाऊं आपको। सारा पौधा ना बंदर और जानवर ना नुकसान करे तो बहुत अच्छा। ये देखिए भिंडी दोस्तों, ये देखिए भिंडी देख लिए। आज आप लोग के लिए शुद्ध देसी गांव का ब्लॉग लेके आई हूँ दोस्तों। जो शहर में है उन्हें गांव की याद आ जाएगी। तो ये रही भिंडी, भिंडी बहुत दूर तक है लेकिन ये भिंडी निकल नहीं रहा है। ये देखिए इसका रस कैसे ये चूस रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों भिंडी देख लिया आप लोग ना। अब चलिए आप लोग को दिखाऊं सरपुतिया, ये देखिए भिंडी, भिंडी का फूल है ये। अब ले चल रही हूँ आप सभी को सरपुतिया के पास। ये देखिए है भिंडी बुढ़ा गई ना, है भिंडी बुढ़ा गई नहीं देता, इधर बुढ़ा गई ना, कहो तू बुढ़ा गई ना हो। पहले इसको भी खा लूँ, बाबा। अब चलिए मुंह खराब हो गया, लेकिन बोरा खा के पड़ी मुंह खराब हो गया। चलिए अब आप सभी को सरपुतिया दिखाऊं, देखो सरपुतिया हुआ है कि नहीं। तो आप सभी को अब सरपुतिया दिखाने जा रही हूँ। तो हे दोस्तों सरपुतिया के लिए मुझे अब कल आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा खेत घूम ली मैं, ये पूरा खेत घूम ली, बस खीरा के बदले कुछ नहीं मिला, पूरा खेत घूम ली। चुप, कल मिलेगा कल। तो कल आऊंगी मैं आप सभी के लिए फिर से खेत में, और कल जब आऊंगी तो आप लोग के लिए सरपुतिया लेके आऊंगी। तो अभी जाऊंगी नहीं, ना 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 ना, ना सरपुतिया लेके तब वीडियो बनी। खा जाइए, मिट्टी में था, इसको बिना थोड़ा नहीं खाऊंगी क्योंकि ये मिट्टी में था। तो चलिए दोस्तों अभी मैं चल रही हूँ, कल मिलती हूँ, कल सरपुतिया का वीडियो लेके, और फिर आप सभी को दिखाऊंगी गांव का शुद्ध देसी हरी सब्जी है। मच्छर भी काट रहा है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी से, ठीक ठीक। जहाँ सबसे पहले उगे सूरजवा, कौआ बोले काव काव, लहर लहर लहराए फसलिया आइए हमारे गांव में, लहर लहर लहराए फसलिया ये हमारे गांव में, लहर लहर लहराए फसलिया ये हमारे गांव में। तो मिलती हूँ तब बाय बोलती हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये है सरपुतिया, देख लिया आप लोग। हाँ ये है सरपुतिया, चारों तरफ फूल लगा है। और ये देखिए छोटा छोटा बच्चा सरपुतिया का, और इस सरपुतिया का रेट दोस्तों जूतिया में इसका रेट सोने से भी महंगा हो जाता है, और शहरों में तो मिलता भी नहीं है। और ये देखिए हमारे गांव का एकदम, देखिए पेड़ पे चढ़ गया सरपुतिया, छोटा छोटा देख रहे हैं आप लोग, ये पेड़ पे ऐसे चढ़ जाएगा। और सही बताऊँ ना दोस्तों, ये देखिए दोनों ऐसे दिख रहे हैं आप लोग को ना, तो ये पेड़ पे चढ़ गया है। और हाँ सरपुतिया का रेट ना जूतिया में बहुत महंगा मिलता है, री बाबा। तो ये दोस्तों ये देखिए जितनी खेत में सब्जी आई थी, सरपुतिया बोड़ा खीरा ये सब और थोड़ी सी भिंडी, तो ये देखिए ये रहा सारा गांव का खेत का हरी हरी सब्जी। अब हम लोग कुछ दिन जो है मार्केट की सब्जी नहीं लेते हैं, यही अपने खेत का होता है ना, यही हम लोग खाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ। आज मैं बना रही हूँ इडली सांबर और चटनी, आइए आप सभी को खिलाऊं। हाँ, सांबर बना है। तो है दोस्तों, आज मेरे यहाँ बनी है इडली, चटनी और सांबर। नहीं है वहां पे है। ये अंकित भाई के लिए टिफिन यही मिली, और ये रहा इडली। तो सुबह बाबू के लिए, वो मतलब बाबू को ट्यूशन आया था, तो सुबह सुबह इडली बना दी थी, चटनी बना दी थी, बट जो है ये सांबर अभी बनाना था। तो तुम भी खाओगे? पहले अंकित भाई को टिफिन देते आओ, स्कूटर से नहीं साइकिल से जाओ। तो ये देखिए इडली साइकिल चला, मैं पैदा कर रहा है। तो है दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सभी से। तो आज के नाश्ते में यह है, ये खाली है ना, इसको भर के मिलती हूँ। ये देखिए इमली का पर्स जो है निकाली हूँ, यहाँ पे अंकित भाई का टिफिन है, और ये बस सीटी एक और दे दे, दो सीटी मारो मारो सीटी मार मार दिया। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो है दोस्तों, ये देखिए सांबर रेडी हो गया, इसमें कद्दू है, चम्मच देना। ये देखिए कद्दू, ये हो गया सांबर रेडी, होममेड। मेरे पापा को दे दो। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। ओ नो, ये देखिए दोस्तों क्या मौसम है री बाबा, सही बताऊं, मौसम देख के मन टन टन हो गया। तो बाय बाय दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा।